पर एंट्री करते हैं और देखते हैं कैसा है। एक्सक्यूज मैम, हेलो, आ सकते हैं? यस यस श्योर। ओके, कैसे हैं आप? फाइन, आप बताओ। ओके, हम भी ठीक है। और दोस्तों, अभी आज आप लोगों को हम दिखाने जा रहा है यहाँ पर करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास एक गर्ल्स वीजी, और इस साइड में इस गर्ल्स वीजी के सामने ही आपको पार्क मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल ही एकदम मतलब खुला आपको जगह मिल जाएगा यहाँ पर। और ये जैसे कि बिल्डिंग है, अभी हम एंट्री कर रहे हैं और ये अब मेन गेट है, ये वाला मेन गेट है। आइए अंदर, और एंट्री करते ही आपको ये जो है कॉमन एरिया मिल जाएंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं या फिर पेरेंट्स आते हैं, बैठते हैं और उसके बाद यहाँ से इंक्वायरी लेते हैं। अभी मैडम यहाँ पर है और यहाँ पर गार्ड साहब भी है, एक बार इनसे बात कर लेते हैं हम। नमस्ते अंकिल जी, कैसे आप? ठीक हैं भैया, और बताइए कैसा चल रहा है पीजी में? सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ये जैसे कि गर्ल्स पीजी है तो इसमें जो है वार्डन है, कितने टाइम तक रहते हैं यहाँ पर? यहाँ वार्डन रहती है 8 घंटा। हाँ हाँ, और नाइट में भी 8 घंटा है। अच्छा, आप भी रहते हो यहाँ पर? हाँ जी, हम 24 घंटे। आप 24 घंटे रहते हैं? हाँ जी, 24। सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से कोई इशू नहीं है यहाँ? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे हैं? हाँ, सब ठीक है। ठीक है, ये कॉमन किचन है, ये हर एक फ्लोर में आपको एक एक किचन मिल जाती है। इस वाले कमरे में हम एक बार एंट्री करते हैं और देखते हैं कैसा है। एक्सक्यूज मैम, हेलो, आ सकते हैं? यस यस श्योर। ओके, कैसे आप? फाइन, आप बताओ। ओके, हम भी ठीक है। चलिए एक बार आपको रूम का स्पेस दिखा देते हैं। इस तरह को आपको यहाँ पर रूम्स मिल रहा है जो कि डबल शेयरिंग है, और ये बलकनी साइड है। एक बार आपको दिखा देते हैं, अटैच वॉशरूम है, सारी चीज़ें हैं। हाँ, खोल दीजिए एक बार। तो ये देखिए बलकनी साइड में है, और यहाँ पर जो है प्रॉपर आपको रूम मिल रही है, और सारी चीज़ें यहाँ पर फुल फर्निश्ड आपको मिल जाएंगी बलकनी से। तो जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये फुल फर्निश्ड है, ठीक है। ट्विन शेयरिंग रूम है, इसलिए दो दो बेड्स इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें यहाँ पर फर्नीचर वगैरह दे रखे, चेयर टेबल सब कुछ यहाँ पर। अभी मैम है, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि मैम, हम ये पीजी रिव्यू करने आए थे, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या ओवरऑल फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल रही है? सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। कॉमन किचन है, उसमें फ्रिज भी दे रखा है इन्होंने, बालकनी है बड़ी सी, सो यू हैव स्पेस कि आप जब पढ़ लो, थोड़ा माइंड फ्री करना हो तो आप बैठ सकते हो वहाँ पे। एंड ऊपर डाइनिंग भी है, तो एवरीथिंग इज़ फाइन हियर, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब चीज़ सही रहता है, तो इट्स गुड। ओके, फूड इंक्लूड है? फूड हाँ। ओके, और लाइब्रेरी वगैरह कुछ? लाइब्रेरी इस पीजी में नहीं है, बट इस पीजी का जो और बिल्डिंग्स हैं उनमें है कुछ कुछ में। अच्छा, और क्लीनिनेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाइजीन एंड एवरीथिंग इज़ डेली मेंटेन्ड, मतलब रोज़ मेड आती हैं सुबह सुबह। okay. रोज़ साफ़ सफाई होती है, वॉशरूम्स की भी होती है, रूम्स की भी होती है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि फूड यहाँ पर मिलती है ना, उसके अलावा भी अगर कोई आप एक्स्ट्रा बनाना चाहे तो किचन का यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कॉमन किचन में गैस है, सिलेंडर है, फ्रिज है, एवरीथिंग, सो यू कैन कुक बाय योरसेल्फ। ओके, कोई भी स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहे आप उनको रिकमेंड करेंगे? हाँ जी श्योर, प्लीज़ कम, बहुत अच्छी जगह है, आप रह सकते हो यहाँ पे, पीसफुल है, वेरी स्टेबल। ये आप लोगों को सामने वाला रूम यानी कि डबल शेयरिंग में दिखाया था, और ये 3 शेयरिंग है। एंट्री करते ही आपको इस तरफ ये बड़ा सा आपको अलमीरा मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 शेयरिंग रूम है, और इसलिए यहाँ पर स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर देखिए 4 टेबल लगे हुए हैं, और तीनों स्टूडेंट को इंडिविजुअली यहाँ पर बेड्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इंडिविजुअली यहाँ पर 4 टेबल, ड्रॉयर, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, कपबोर्ड वगैरह आपके सारी सामान रखने के लिए यहाँ पर कपबोर्ड मिल जाएंगी। यहाँ पर पंखा चल रहा है, एसी वाला यह कमरा है, ठीक है, विद एसी आपको यह कमरा मिल रहा है, और सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, फुल फर्निश्ड ये रूम है। और इस तरह का आपको यहाँ पर शेयरिंग में रूम, 3 शेयरिंग में रूम मिल रही है। और इससे पहले जो हमने दिखाया था वो था डबल शेयरिंग, आप चाहे तो यहाँ पर सिंगल भी ले सकते हैं, बट इसमें सिंगल रूम नहीं है, किसी और पीजी में आपको दिला सकते हैं। तो आपको भी अगर पीजी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगे, उसमें से आप इंक्वायरी के लिए डायरेक्ट मैम से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी आपको जानना होगा, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।